एक थाई वाली मम्मी हो अगली सीरीज की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो फिर वो तीसरे को देख के चिल्लाती है साजिद ब्रैकेट में लेकर चिल्लाते हुए तो साजिद ये टीचर चिल्ला रही है हाँ केमिस्ट्री की टीचर हाँ अच्छा साजिद अचानक से डर के खड़ा होता है कि इमेजिन कर एक गे कपल है ठीक है तो हमारी तरफ को देख तू सुनना तू बैठा हुआ एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह मनोज वाजपेयी बन के एकदम शेरा वेरा लगा के धूला बना हुआ आराम से बैठा हुआ हाथ पे ना वो चंदा लगाते हो ना चादर वाले दिन तो मेहंदी लगी हुई तेरे हाथ पे आराम से शादी वादी करने के लिए बैठा निकाह पड़ा जा रहा था उधर से सादा कैंट्री होती है तो बस फोन कर रहा होता है ऐसे करके तो जब वहां से देख रहा है मतलब तेरे को फोन आ रहा है बार बार ऑडियंस ये देख रही है तो तू फोन काट रहा है इतने में तो फोन ऐसे रखता है देखता है कि तेरा जो गेम पार्टनर साधा उधर खड़ा है तो यहाँ गाना शुरू होता है करके ब्लॉक लोक ला लिया अच्छा इसने ब्लॉक कर दिया था मुझे हाँ तूने ब्लॉक इसने और शादी लड़की से कर रहा था लड़की शादी कर रहा तो इस जैसे तू बार बार बोल रहा था तेरी ले ली तो अब जो गाना बजेगा वो गाना क्या बजेगा वो तो इसके हाथों पे मेहंदी मेहंदी लगवाएंगे चिन्ना मेरे यहाँ तेरे पे लगेगी नहीं तो एक काम करते हैं फिर अब जब ये गे वाला हुआ है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को बहुत कॉमर्शियल वो लग रहा है कॉन्सेप्ट तेरी एक फोटो अभी दिखा दूँ लहंगा पहने हुए बुरके वाली कौन सी फोटो मेरी नोवा की नोवा कौन सा बुरका पहना था मैंने बुरका थोड़ी था वो तो भाभी का सूट था रुक जाना एक सेकंड जब शूट कर रहे थे उस दिन की बात कर रहा है ना बुरका पहन के रजनीगंधा खाया जा रहा है तू ये कह रहे मौलाना का क्लोजअप आएगा तो उसमें मैं ही रोल कर लूं बीच में तो तू क्या करेगा उठ के जाएगा इससे ऐसे बोल के सबसे बोल के आता हूँ तो जाएगा इसको कोने में ले जाएगा कहते चल 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 कोने में तो अचानक से तू अपना नाटक कर ले गया तो और ही थोड़ा सा यहाँ मामला रोमांटिक लवर नहीं हो रहा है बट तू क्या करेगा तुरंत तभी जैसे ही ये खुश हो जाएगा कि तू नाटक बोल रहा तो दिखाएगा इसने एक्सचेंज ऑपरेशन करा लिया अपना नहीं वो नहीं यही तो वो है इसके अंदर तो कहेगा ये घुटनों पे रहेगा सस्पेंस भाई नहीं कुछ नहीं होगा सुन ये तू अचानक से दिखाएंगे तू नाटक बोल रहा होगा ऐसे ऐसे करके ये कुछ होगा और मूड बनने वाला अचानक नेक्स्ट शॉट में दिखाएंगे तो नाड़ा ऐसे खींचेगा अचानक से घुमा के इसके गले मेरा पजामा नीचे गिरा हुआ ऑडियंस हंस रही है हंस भी रही है रो भी रही है पूरी इसके साथ तब पता चल गया तो फिर तुम्हारी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग अब तो दोनों तरह से भेज दिया था हुआ पब्लिक ने छूतोड़े भी देख लिए और वैसे भी पता लग गया सही तो आ रही है सुन ये घर के सोफे थे फटने लग गए हैं और ये फटे तब हैं जब तूने यहाँ सर रख के तू यहाँ लेटा है और वो सर पे तेरे पसीना हो रहा था पसीने से यहाँ पानी रुकता था पानी की वजह से ये गल के फट गए हैं तो अगले सोफे तू लगवाएगा तो इससे पता लगता है कि क्या देख रहा है रे अरे वही यार आजकल क्यूटी क्यूटीज की रील्स आती रहती हैं आगे पटा ले गर्लफ्रेंड बना ले कोई लगा हुआ कोशिश में लगा हुआ हूँ काम जारी है इस पर मुझे लड़की चाहिए ना थोड़ी क्या मतलब आंटी चाहिए तुझे आंटी थोड़ी चुभी आंटी चबी अच्छा कोई बहुत ज्यादा वाइल्ड फैंटेसी बता अपने यार देख वैसे तो बहुत हैं लेकिन जो सबसे आगे है ना बाकी जो सबसे ऊपर है बाकी सब उससे नीचे हैं तो जो सबसे ऊपर है वो है तेरी मैं बताऊँ मेरी मैं चाहता हूँ एक थिक थाई वाली मम्मी हो वो मेरा मुंह ऐसा अपनी टांगों में दबाए ऐसा बिल्कुल मतलब मेरा मुंह ऐसा उसके पैर ऐसे और मेरे मुंह पे थूके हो मैं तो मेरी सेम यही है लेकिन मेरे मुंह के अंदर थूके ऐसा हाथ में ले लियो ना पी लियो फिर देखो क्या बन के बैठा हूँ आपको दिखाता हूँ
गेट बंद कर दो 45 लाख वाली। दोस्तों एक बार क्या हुआ, जब हमने बताया, जब हम शूट वगैरह करते थे, एक म्यूजिक वीडियो था तो वो भैया को डायरेक्ट करना था, तो भैया ने ना काफ़ी टीवी एक्टर्स को कॉल करके उनसे रेट्स लिए थे। ठीक है, प्रोड्यूसर ने बोला था कि टीवी एक्टर को कास्ट करना है, तो भैया ने, हम सब साथ में बैठे हुए थे, तो एक बंदा था काफ़ी फेमस एक्टर है वो तो एक बंदा था काफ़ी फेमस एक्टर है वो, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। एक गाने का रेट दिया 35 लाख रुपए। हम सब की सुन के हमारी कान फट गई, 35 लाख रुपए। तो भाई साहब कह रहे हैं पीछे से भैया से, तुम मुझे 3500 दे दो, 3500 में कर दूंगा। मैं कहा हाँ, क्या ही फायदा उसे ले लेगा, मुझे ले लो भाई, 3500 में कर दूंगा मैं, 35 लाख और 3500। ऐसे घर परिवार में पैसे नहीं लिए ज्यादा वो मान दे राशि होती है बस वो इज्जत के लिए। अब जैसे ये इसका ब्लॉग होता है तो उसमें मैं फीस बस 1 रुपए का चेक लेता हूँ इससे, वरना मेरी फीस जो 45 लाख रुपए है और GST अलग से है, आधे घंटे की फीस। हाँ, एक ब्लॉक की फीस है मेरी। तो वो शीपू सिंह है, तू चीपू सिंह है। अच्छा चलिए बता कि तूने सबसे वाइल्ड काम क्या करा है। सेक्स बिना परमिशन के मौन वगैरह करता है तो कैसे? मौन नहीं, मौन व्रत में रहता और जब वो क्लाइमैक्स बस मैं तो खूब सीखता हूँ इतना मच्छी है कि इधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एम्बुलेंस बुला ले तो चल एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। हाँ चल यार, 3 बज गए, चल अंदर चलते हैं। आओ दोस्तों अंदर चलते हैं। मारूंगा तने दा कट रहे कट रहा बताना मुझे गाजर दे दूंगा, गाजर भी चले चल दोस्तों आज आपको इसके चूतड़ दिखाऊंगा तो ये इस डर से कि रात में कोई प्यासा मर जाएगा ले तेरे लिए नया टूथब्रश। काला क्यों हो रहा है तूने? टूथपेस्ट लगा के दिए। तो दांत काले करेगा सफेद करेगा? सफेद करेगा, काले क्यों करेगा? कर लूँ। हाँ दोस्तों हमने बहुत पहले कभी हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था एक दांत काले करने वाला, तो बड़ा फनी लगता है वो, हम फिर से ट्राई करने वाले हैं। पहले इस पे मैं करूँगा ठीक है इतने ध्यान से मैंने तुझे पहली बार देखा आज कैसा लग रहा हूँ मंकी आई बंद ऊपर लौटा ऊपर लौटा ऐसे ही ये होठ तेरे अरे तेरा दांत ना एक कवर्ड है दूसरे दांतों से तो इसमें वाइट वाइट दिख रहा है देख रहे Yeah.
अगर मेरा सचमुच में कोई दांत गलती से टूट गया तो तू तो हंसता रहेगा।